ग्रेट मुझे पता है, मुझे पता है कि पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मेरा मेरा लाडू बाबू जिंदा वो तो अच्छा हुआ कि मैं बीच में आ गई, वरना तेरे पति ने तो मेरे बेटे को धमकी देने के साथ साथ हाथ उठा दिया था। मैंने मना कर नहीं, मुझे एक उसके भी भाई मेरे मासूम बेटे को दादागिरी नहीं दिखा रहा है। लास्ट वाला भी है ना आवाज
में तुम सब कुछ जानती थी या नहीं? तुम सब कुछ जानती थी तो बताया क्यों नहीं? इस घर की बहू हो तुम, तुम्हारी वजह से। तुम सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ जानती थी ना? आस्था मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी या नहीं? जब जानती थी तो बता नहीं सकती थी? इस घर की बहू हो तुम, तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है समझ में आ रहा है तुम्हें? भाई तुझे जो कुछ भी कहना ना मुझसे कह। नहीं पीछे चले, उधर जाएगी पोजीशन लेना, किधर पीछे उधर चले जाएगी। भाई तुझे जो कुछ भी कहना ना मुझसे कह, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने इसे कहा कि किसी को मत बताना और इसने मेरी बात मानी तो इसकी क्या गलती है? और तूने किस हक से किस हक से सिद्धार्थ पे हाथ उठाया? तेरे भाई होने के हक से। अगर मेरी जगह कोई और भाई होता तो भी वो यही करता। आपने न्यूज पेपर नहीं देखा? पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है आपके और सिद्धार्थ के बारे में। कितनी बदनामी हुई आपकी और साथ साथ इस घर की भी। दादा लोग तो बस मौके की फिराक में रहते हैं कि कब किसी के बारे में कुछ बोलने को मिल जाए। कंटिन्यू करूं? हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। शीतल किसकी लेफ्ट हैंड है? रोज पड़ा एक्शन। कितनी बदनामी हुई आपकी और साथ साथ इस घर की भी। दादा लोग तो बस मौके की फिराक में रहते हैं कि कब किसी के बारे में कुछ बोलने को मिल जाए, पर मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ सिद्धार्थ की, क्योंकि उसी ने मेरी जान बचाई थी, मेरी बच्ची को बचाया, क्योंकि उसने समाज के बारे में नहीं एक लड़की की जिंदगी के बारे में सोचा था, और क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। आप सब लोग कितने आसानी से भूल गए ना कि उसी की वजह से मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूं। अगर उस रात वो मुझे हाईवे पे नहीं बचाता तो पता नहीं वो गुंडे मेरे साथ क्या कर बैठते। सब लोग अभी भी हकीकत से अनजान है। अब है मुझे फुफेरी सास के साथ कोल्हापुर भेज रहा था ताकि वो मेरी इस बच्ची को भी पैदा होने से पहले ही मार सके। अगर मैंने अपनी अपने परिवार की और समाज की इज्जत ना नहीं परवाह की ना। अगर मैंने अपनी अपने परिवार की और समाज की परवाह की। अगर मैंने अपनी अपने परिवार की और समाज की परवाह किए बिना अपनी इस बच्ची के बारे में सोचा तो मैंने क्या गलत किया भाई? उस इंसान ने जिस पे तू अभी हाथ उठा के आया है उसी ने मुझे सहारा दिया था। तब तो मैं इसके लिए कोई भी नहीं पता था उसे कि मैं अग्निहोत्री की बेटी हूं। दादा आज अगर अनाया जिंदा है ना, सांस ले रही है, तो सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से। उस इंसान ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जिस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो उसी को मारकर आया भाई? प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज दरवाजा खोलिए घर का।